आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी में परिवहन विभाग, पुलिस, यातायात पुलिस किस तरह है काम कर रही है उसकी एक वानगी यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। ठसा ठस भरी यात्री बस, देख सकते हैं किस कदर यात्री बस यहाँ पर भरी हुई आपको नजर आ रही होगी। एसी बस है ये, दरअसल जबलपुर से छिंदवाड़ा की ओर जाने वाली ये यात्री बस, और इस यात्री बस में एसी वाली यात्री बस है और यात्री बस के अंदर एसी भी चालू नहीं, एमपी 41 बी 1557 यहाँ आप देख सकते हैं एसी ईयर सस्पेंशन छिंदवाड़ा से जबलपुर। ये यात्री बस जबलपुर से आ रही है, यात्री पूरी तरह हलाकान है। दरअसल शादी ब्याह, मेले ठेले या तीज त्योहारों के समय में इन यात्री बस के संचालकों के द्वारा किराया बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है और यात्री बस में भेड़ बकरियों की तरह यात्रियों को भर दिया जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यहाँ देख सकते हैं आप किस कदर यात्री यहाँ पर भरे हुए हैं। यातायात विभाग को इस बात से कोई लेना देना नहीं। जबलपुर से अगर ये यात्री बस चली है तो सिवनी जिले में धूमा, लखनादौन, छपारा, बंडोल ये थाने बीच में पड़े। सिवनी कोतवाली के बाद लखनवाला थाना से होकर गुजरती है। इतने सारे थाना क्षेत्रों के अलावा ये बस यातायात पुलिस के अधिकार क्षेत्र में से गुजरती है और जिला परिवहन अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से गुजरती है। आप अगर ऑनलाइन देखने जाएंगे तो ऑनलाइन आपको इन यात्री बसेस में सिवनी से नागपुर का किराया 1100-1200 रुपये, इंदौर से सिवनी का किराया 4000 रुपये तक आपको दिखाई दे जाएगा ऑनलाइन। पता नहीं इस मामले में ये परिवहन विभाग कार्रवाई करने से क्यों कतराता है। परिवहन विभाग को चाहिए कि ये अगर स्टेट कैरेज के रूप में नहीं चल रही है, अगर टूरिस्ट परमिट के रूप में चल रही है तो सिवनी की सवारी ये कैसे भर सकती हैं। जबलपुर से लखनऊ की सवारी कैसे भर सकते हैं, जबलपुर से सिवनी की सवारी कैसे भर सकते हैं, इस बात को देखने का वेतन ही परिवहन अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सभी को मिलता है। यहाँ एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं जैसे किस तरह यहाँ पर ठसा ठस भरी ये, अगर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, 18 तारीख का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। माफ कीजिएगा, 18 तारीख रविवार का नज़ारा दिखा रहे हैं। 19 तारीख को राखी है, 20 और 21 तारीख को भी अगर आप देखेंगे तो जब ये वापस सिवनी से रक्षाबंधन के बाद लोग वापस लौटेंगे तब भी आपको इसी तरह का नज़ारा दिख जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता शायद नहीं होती है। जिला कलेक्टर संस्कृति जैन, जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता, अगर वे स्वयं कहीं पर खड़े होकर यात्री बस की चेकिंग कर लें तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। विडंबना ही कही जाएगी कि सिवनी में अब तक पदस्थ रहे जिला कलेक्टर, जिला अधिकारी के साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा कभी भी इन यात्री बसेस की चेकिंग नहीं की गई है। ये यात्री बसेस वैध परमिट पर चल रही हैं या अवैध परमिट पर, ये बात भी शायद ही कोई जानता हो। उसके साथ ही सिवनी में अवैध रूप से टैक्सियों का संचालन जो हो रहा है, परिवहन विभाग अपनी आंखें फेरे इस मामले में बैठा हुआ। और यहाँ देख सकते हैं किस कदर छोटे छोटे बच्चे यहाँ खड़े हुए हैं और उन बच्चों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा, पर पैसा बनाने के लालच में, पैसा बनाने के चक्कर में बस संचालकों को इस सब से कुछ लेना देना नहीं। बस संचालक तो चाहेगा कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, पर परिवहन विभाग के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, थानों में पदस्थ जितने भी सिवनी कोतवाली सहित जितने भी थाना क्षेत्रों से ये गुजरती हैं बसेस, उनके थाना प्रभारी, यातायात थाना प्रभारी इस मामले में क्या कर रहे हैं इस बारे में दरियाफ्त जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता और जिला कलेक्टर संस्कृति जैन को करने की जरूरत महसूस हो रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।